नमस्कार दोस्तों, प्रकाश काबा फिर आपके सामने प्रस्तुत निफ्टी व्यू 23 सितंबर 2022 के लिए। वेल, स्ट्रक्चरली जो मैंने कहा था कि निफ्टी वीक है, वैसा ही अनफोल्ड हुआ। 11,000 का मुझे लगता था कि बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन, अब भी लगता है 11,000 में बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। आज जो बाउंस मिला है करीब 11,100 के नीचे थोड़ा मिला है, और जो बाहर दिखा रहा है उसके हिसाब से लगता है कि अब भी वीक है। जो अहम लेवल है 11,230, 11,250, ये एक अहम लेवल है। जब तक ये नहीं टूटता ऑन द अपसाइड, हमको मान के चलना चाहिए निफ्टी वीक है और 11,000 अब भी एक पॉसिबिलिटी है। चलो इंटरनल देख लेते हैं, इंटरनल निफ्टी का हाल क्या है। निफ्टी का हाल इंटरनल ऐसा दिखा रहा है कि ये अब भी वीक है। ये जो ऊपर दो लाइन लगाई है मैंने, इसके हिसाब से मुझे लगता है अब भी वीक है। हो सकता है यहाँ पर खुले और ऊपर जाए, ऐसा होता है तो हो सकता है 11,450 की भी जा सकता है। लेकिन अगर यहीं पर कहाँ खुलता है, जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, चलो सर्कल मार्क कर लेता हूँ, और ये ब्रेक कर लेता है 11,130, तो फिर 11,000 तक स्लाइड होने की संभावना है। ये दूसरा पॉसिबिलिटी है। तीसरा पॉसिबिलिटी ये है कि निफ्टी अगर 11,000 गैप डाउन खुलता है तब क्या, तब 11,000 के आसपास बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन होगा। फिर वहाँ के 11,000 के आसपास एक बाउंस मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि FNO एक्सपायरी है, कवरिंग वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ये रहा निफ्टी का हाल। निफ्टी कहाँ खुलता है, हमको तो खाली सीन्स होने चाहिए क्या क्या हो सकता है, और हमको ट्रेड करना है, हमको प्रिडिक्ट नहीं करना है। निफ्टी बैंक का क्या हाल है। निफ्टी बैंक देखा जाए तो यहाँ पर भी वीक है। 21,000 का जोन था, वहीं से एक बाउंस मिला है, तो 21,000 के आसपास सपोर्ट मिला है, वो एक राउंड नंबर है। लेकिन देखा जाए तो ये निफ्टी बैंक भी अब तक वीक है। 21,500 जब तक पार नहीं कर लेता है, तब तक हमको समझना चाहिए कि निफ्टी बैंक भी वीक है। और पॉसिबल है कि अगर 21,000 ब्रेक हो जाता तो कहाँ जाएगा। पॉसिबल है कि 20,675 जो हमारा टारगेट है वो अब भी वैलिड है। देखना है इंटरनल का क्या है। इंटरनल का हाल ये है कि निफ्टी बैंक का जो मैंने बताया कि करीब 21,500 पार करना जरूरी है, जब तक वो पार नहीं करता मुझे लगता है ये अब भी वीक है। अगर 21,000 ब्रेक हो जाता है तो मुझे लगता है ये 20,675 ये एक पॉसिबिलिटी है। तो मेरे हिसाब से तो वीक है। देखना है यहाँ पर कहाँ खुलता है, वो ज़रूरी है। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ भाव भगवान है। ट्रेडिंग वेडिंग सही तब होती है जब आपको ट्रेड करना आता हो, प्रिडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं। सभी लोग समझते हैं कि हमको पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ जा रहा है पहले से, तो कमाई हो सकती है। ये गलत है, ये एक मिथ है। जरूरी नहीं कि आपको पता हो कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। मार्केट को जो करना है करने दो। हमको तो सिर्फ एक ही बात ध्यान होनी चाहिए, कहाँ खरीदे कहाँ बेचे। अंग्रेजी में बोलते हैं ना, वे यू शुड नो वे टू होल्ड वे टू फोल्ड। वो आ गया तो पैसा जेब में। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। भाव भगवान है।